नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अरवाल एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियोस के लेके। तो अपन बात करते हैं इस वीडियोस में अपन क्या समझने वाले हैं और आप बने रहिए इस वीडियोस को। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अनुपस्थित रहे दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर यहाँ पे आयोग के द्वारा दे दिया गया है। हालांकि अपन बात जो कर रहे हैं वो अधीनस्थ बोर्ड के अंदर जो LDC की वैकेंसी निकाली गई थी उसके प्री मेंस और उसका जो बायोमेट्रिक हुआ था लास्ट में जो टाइपिंग टेस्ट था उसका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब उनकी जो पदस्थापन से संबंधित यहाँ पे जो चर्चा चल रही है वो उसकी अपन बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये जो प्रेस नोट्स मैंने लिए हैं ये मैंने मेन अथेंटिक वेबसाइट्स अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट से लिए। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो पे, अपन बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं प्रेस नोट्स की बात करता हूँ। अनुपस्थित रहे दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर आयोग के द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर ये क्या बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोग के द्वारा यहाँ पे 6/3/2020 को यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो कार्यालय अवधेश की बात करें तो लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2018 के पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन में अनुपस्थित रहे दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पे एक लिस्ट अलॉट की गई आयोग के द्वारा, उनको एक अंतिम अवसर दिया गया है। जो अभ्यर्थी जो दिव्यांग थे PhD में थे यानी फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट थे उन लोगों को 12/3/2020 से प्रातः 11 बजे तक आयोग की मेन वेबसाइट्स पे उनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे देने होंगे, जमा करवाने होंगे, उनको उपस्थित होना पड़ेगा। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया आयोग के द्वारा ली जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं उनकी यहाँ पे मेन रोल नंबर वाइज डाल रखा है जो कैंडिडेट अनुपस्थित रहे हैं जो दिव्यांग जन में आते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेन आयोग की वेबसाइट्स पे डाउनलोड करके आप लोग अपने रोल नंबर वाइज यहाँ पे लिस्ट भी चेक कर सकते हो। आगे नेक्स्ट प्रेस नोट्स में अपन चलते हैं। तो ये अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के पद की सूची यहाँ पे डाली गई है आयोग के द्वारा। जो अभ्यर्थी जो अंतिम रूप से चयन हो गए हैं तो उनकी पद की सूची यहाँ पे डाल दी गई है। तो अपन बात करते हैं इसमें ये क्या है। तो जो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के पद स्थापन की अभिशंसा यहाँ पे डाली गई है आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे जिनके कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए थे, बायोमेट्रिक हो गई थी, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया था, कंप्लीट फाइनली जो सिलेक्टेड हो गए हैं उन कैंडिडेट्स की यहाँ पे पद स्थापन की अनुशंसा यहाँ पे डाली है। आप लोग रोल नंबर वाइज यहाँ पे भी देख सकते हैं जिन विद्यार्थियों को जो डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, किसी को सचिवालय डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, किसी को पूर्व शासन सचिवालय अलॉट हुआ है, किसी को अधीनस्थ विभाग का डिफरेंट टाइप के जो डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसीज थी LDC वो अलॉटमेंट हुआ उनकी मेरिट वाइज उनके मेरिट के में मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए मेन वेबसाइट पे डाउनलोड करके। मैंने आपको बता दिया कि ये प्रेस नोट आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया। जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन हो रखा है वो कृपया वेबसाइट्स पे जाके लॉगिन करके वहाँ के पोर्टल पे प्रेस नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रोल नंबर वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगले प्रेस नोट्स की बात करेंगे तो इसमें अपात्र रहने का कारण अंकित किया गया है। जो अभ्यर्थी आयोग के द्वारा अपात्र पाए गए थे उनका कारण यहाँ पे डाला गया है इस प्रेस नोट्स के माध्यम से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर वाइज लिस्ट डाल रखी है। तो उनका किस कारण से उनको अपात्र घोषित किया आयोग ने ये डाला गया है। इस प्रेस नोट्स की बात करें ये भी 6 तारीख को ही अलॉट हुआ था यानी 6 तारीख को ही रिलीज हुआ था आयोग के द्वारा। तो इसके अंदर भी जो अपात्र विद्यार्थी थे तो उनकी जो आपत्ति है वो लोग अपनी आपत्ति 12/3 यानी 12 मार्च 2020 तक यहाँ पे दे सकते हैं आयोग को और अपना जो कारण था अपना रीजन था वो आयोग के सामने रख सकते हैं। तो ये अपने पास में थी आज की प्रेस नोट्स। तो रोल नंबर वाइज यहाँ पे डाल रखा है तो आप लोग देख सकते हो ये थे अपने पास में आज की प्रेस नोट। आगे चल लेते हैं अपन पेपर कटिंग पे जो पेपर में न्यूज का पब्लिश हुआ है। देखिए ये अपने पास में न्यूज़पेपर की कटिंग है। सचिवालय में 12 से 14 तक होगी मूल दस्तावेजों की जारी। हालांकि अपने इस प्रेस नोट्स के माध्यम से भी इसको समझ लिया है। अपन प्रेस नोट्स के जो पहला प्रेस नोट मैंने डिस्कस किया उसी के रिलेटेड ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। न्यूज़ सेकंड की बात करें तो LDC भर्ती में चयनित की दूसरी लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। दूसरी जो प्रोविजनल लिस्ट है फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की यहाँ पे जारी कर दी गई है। किसको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, किसको जिनको कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनको पहले सचिवालय अलॉट हुआ था अब जैसे नेक्स्ट लिस्ट आई है तो उसके अंदर उनको अधीनस्थ कार्यालय अलॉट हुआ है। तो ये आप लोग देख लीजिए अपने रोल नंबर वाइज मेन वेबसाइट पे जाके। तो ये अपने पास में था आज का वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।